नमस्कार, जनवरी की 9 तारीख बाजारों के हाल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। रूस, यूक्रेन और गाजा संघर्ष के साथ शॉर्ट कवरिंग की वजह से सोने में आज बढ़त देखी जा रही है। गंवार गम और गंवार सीड के साथ हल्दी में भी सुधार देखा गया। जैसा कल हमने अपनी पॉडकास्ट में कहा था कि हल्दी में शॉर्ट सेल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जीरा बम्पर बुआई और मौसम अनुकूल होने से नरम है। मोल तोल की कवर स्टोरी में आज चर्चा सोने पर। लाल सागर और मध्य पूर्व में तनाव से सोने को निचले स्तर पर समर्थन मिला है। उम्मीद है कि डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनाव के बीच इस सप्ताह सोने और चांदी को $2,000 और $22.50 प्रति ट्राई ऑन्स पर सपोर्ट रहेगा। सोने के 2023 के हाल और 2024 की शॉर्ट टर्म संभावना पर क्या कहा SMC ग्लोबल की वंदना भारती ने, सुनिए उनसे। 2023 की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हम लोगों ने 10% से ज़्यादा तक का इजाफा होता हुआ देखा। कुछ मुख्य कारण थे जो कि गोल्ड में हम लोगों ने लगातार बढ़त आते हुए देखा 2023 में। और बात की जाए अगर बढ़त की, तो ये तीसरा साल था जब हम लोगों ने लगातार गोल्ड में बढ़त आते हुए देखा। तो यहाँ पे कारण ये था कि पहले तो 2022 में यूक्रेन रशिया वॉर था, वो यहाँ पे कंटिन्यू हुआ 2023 में भी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दुनिया ने एक और वॉर का सामना किया, वो इसराइल और हमास के बीच में था। तो कह सकते हैं गोल्ड जिसके लिए जाना जाता है सेफ हेवन बाइंग, यहाँ पे रिटर्न आई, फिर से वॉर प्रीमियम यहाँ पे ऐड हुआ। दूसरी चीज़ ये थी कि फेड ने एक इंडिकेशंस यहाँ पे दिए कि 2024 में हम यहाँ पे एक रेट कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक पॉजिटिव इशारा कर रहे थे और इन्फ्लेशन जो है वो करीब करीब उनके सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक था। 2% तो नहीं आया उनके टारगेट के हिसाब से, लेकिन एक इंडिकेशंस था कि इकोनॉमी को बूम करें के लिए फर्दर वो इंटरेस्ट रेट करना शुरू कर सकते हैं 2024 से। ये बहुत बड़ा ट्रिगर था गोल्ड के लिए। इसकी वजह से हम लोगों ने डॉलर इंडेक्स और US ट्रेजरी यील्ड में गिरावट आते हुए देखा, जो करीब करीब काफ़ी ज़्यादा हाई लगा चुके थे। जैसा कि हम जानते हैं कि US डॉलर इंडेक्स के साथ इसका नेगेटिव कोरिलेशन है, गोल्ड ने एक इजाफा आता हुआ देखा अपने प्राइसेस में। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल बैंक्स लगातार एग्रेसिव बाइंग कर रहा है, फिजिकल गोल्ड की होल्डिंग अपनी बढ़ा रहा है, इसने भी गोल्ड प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़त दिया। 2024 की शुरुआत यहाँ पे धीमी हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 64,440 के एक हायर साइड के बाद अब करीब करीब 62,000 के करीब ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में आ सकता है। फिलहाल लग रहा है कि 62,350 के करीब अगर हम बाइंग भी करते हैं तो ऊपर में 62,750 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। किसी को बाइंग करनी है तो 62,750 को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेंटीमेंट्स अभी थोड़ा सा वीक हो सकता है, और प्राइसेस ऊपर की तरफ अगर एक करेक्शन मोड में आती है तो नीचे का जो सपोर्ट है करीब करीब 61,500 बन रहा है। तो हायर साइड पर यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर आप 62,000 के लेवल के करीब सेलिंग करते हैं तो 61,500 का टारगेट रखिए, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,250 का यहाँ पे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करिए, ये शॉर्ट टर्म व्यूज है। और एक बात ध्यान में जरूर रखिए, अगर 62,450 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, और फिर जो नेक्स्ट अपसाइड टारगेट गोल्ड का होगा वो 62,750 से लेके 62,800 का रहेगा। तो टेक्निकल लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं। सोने के शॉर्ट टर्म मूवमेंट पर दूसरी राय दी बाजार विशेषज्ञ सुगंधा सचदेवा ने, सुनिए उन्होंने क्या कहा कि सोना शॉर्ट टर्म में किस तरह मूवमेंट करेगा। गोल्ड की प्राइसेस को देखें तो पिछले कुछ दिनों में हमने स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, ऑल बिकॉज US का जॉब्स डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो US के जो फेड मिनट्स थे वहाँ पर भी कोई क्लैरिटी निकल के नहीं आई अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ रेट कट, और हमने डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी रीबाउंड आते हुए देखा है फ्रॉम लेवल्स ऑफ अराउंड 100 मार्क। ये तीनों कारण रहे हैं जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस में कुछ हद तक सॉफ्टनेस देखने को मिली है। बट वहीं अगर हम आज की बात करें तो प्राइसेस कुछ हद तक लोअर लेवल्स पर सपोर्ट ले रहे हैं, और इसके साथ साथ US के कंज्यूमर्स की जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कम हुई हैं। ये भी एक फैक्टर है जो गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है। अगर हम प्राइस आउटलुक की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में 61,900 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। जब तक ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। हाई साइड में 62,800 से 63,000 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं
तो 2015 एक अच्छा सपोर्ट है प्राइसेस के लिए, और हाई साइड में प्राइसेस कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 2065। भारतीय शेयर बाजार में आज अच्छी रिकवरी रही, हालांकि एनएससी निफ्टी कारोबार के अंत में 32 अंक बढ़कर के बंद हुई और बाजार को सुधारने में रियल्टी और ऑटो स्टॉक्स के सेक्टर ने अहम भूमिका निभाई। निफ्टी 21,545 के करीब आ गई। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के विश्लेषकों का मानना है कि जैसे ही हम तीसरी तिमाही के अर्निंग सेशन में प्रवेश करेंगे, निफ्टी 21,800 से 21,300 की रेंज में कंसोलिडेशन कर सकती है। अब बात वापस एग्री कमोडिटीज की। गवार सीड और गवार गम में बीते दिनों खासी गिरावट आई, जिसके बाद शॉर्ट कवरिंग ने इसमें बेहतर सुधार देखा गया। यही हाल हल्दी का रहा, जो निचले लेवल पर निकली खरीद से सुधरी। गुजरात और राजस्थान में तकरीबन 13 लाख हेक्टर में बुआई और मौसम अनुकूल होने से जीरे के भाव आज भी दबे। जीरे में हर बढ़त पर कारोबारी बिकवाली के मूड में दिख रहे हैं। राजस्थान में अब तक 7 लाख हेक्टर के करीब और गुजरात में 6.25 लाख हेक्टर के करीब जीरे में बुआई हुई है। दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर आज जीरे का भाव 3,775 से $3,800 प्रति टन CIF रहा। आप सुन रहे थे मोल तोल हिंदी का पॉडकास्ट। हम बाजारों के हाल को अब यहीं विराम देते हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।